तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में YouTube का ज्वाइन बटन कैसे लगाते हैं, कैसे इनेबल करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपना YouTube चैनल खोल लेना है, अपना डैशबोर्ड जहाँ से हम मैनेज करते हैं सब कुछ। तो जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो एक नया ब्राउज़र में हम ओपन हो रहे हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आसानी से स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे कैसे करेगा ये काम पूरा। तो बिना समय गवाए हमने वीडियो शुरू कर दिया है, सीधे आपको टॉपिक पर ले आए हैं। तो चलिए इसके बारे में बीच बीच में बताते चलेंगे आपको कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए हम यहाँ एक नए ब्राउज़र में हमने ओपन किया है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत इशू आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर डॉलर का एक शाइन दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से आप मोनेटाइजेशन को जहाँ से आपने इनेबल किया था, देख सकते हैं आप, ये सिंबल दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे, देखिए आप, दोबारा दिखा देते हैं हम आपको। तो यहाँ पर इस सिंबल पे हमने क्लिक कर दिया। तो उसके बाद यहाँ आपको ऊपर देखेंगे मेंबरशिप का, तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा मेंबरशिप का। तो मेंबरशिप पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें क्या है कि ज्वाइन बटन को ऐड करना है। तो यहाँ से हमें स्टेप बाई स्टेप सीखना है कि कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 0% कम्प्लीट है, जो बिल्कुल अभी हमने कुछ नहीं किया है इसमें। तो ऐसे ही अगर आपके यहाँ दिख रहा है आपके स्टूडियो में, तो आप यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें तीन स्टेप हैं जिन्हें कंप्लीट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर नीचे नेक्स्ट कर देना है। तो इसके बारे में बारीकी से हम आपको बताएंगे कि तीनों लेवल हमें कैसे ऐड करने हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पर हमें एडिट 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 तीन बार दिखाई दे रहा है। तीनों को हमें एडिट करके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडिट करेंगे पहले वाले को। तो यहाँ पर एडिट करेंगे तो यहाँ आपने पहले भी वीडियो देखी हो शायद। तो सबसे पहले का आप पहले तो अननेम है, तो इसको पहले हमें नेम देना है क्या है। तो चलिए हम यहाँ पर नेम देंगे सिल्वर, गोल्ड और डायमंड का, ये तीन नाम देंगे हम इसमें। तो यहाँ पर हम अपना पहला प्लान अपडेट करते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं सिल्वर। और उसके बाद हम उसका प्राइस सेलेक्ट करेंगे कि वो कितने का रहेगा वो प्लान। तो आप अपने हिसाब से सस्ता रख सकते हैं, मीडियम रख सकते हैं, हाई रख सकते हैं। तो हमारा सिल्वर है, तो सिल्वर हम सबसे सस्ता है, तो ये हम सबसे सस्ता ही इसको सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक पर्क ऐड करना है, जिसमें आप क्या देना चाहते हैं इस प्लान के अंदर, अपने ज्वाइन जो मेंबरशिप ले रहा है उसको क्या मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर्क पे ऐड करना है एक। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिल्वर में ये देना चाहते हैं तो गोल्ड में फिर क्या देंगे, और उससे हाई, और फिर उसके बाद डायमंड में आप क्या देंगे। हालांकि आप इसके नाम गोल्ड सिल्वर ये अपने हिसाब से रख सकते हैं, या फिर लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड, इस तरीके से आप नाम रख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपने इस पहले में सिल्वर प्लान में हम रखते हैं फोटोज स्टेटस रखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो अपने हिसाब से यहाँ पर देखिए कई सारे हैं आपको मंथली प्राइस में, तो अपने हिसाब से आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो अपने पहले प्लान में रख सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो को रोटेट करके देखेंगे तो आपको बड़ स्क्रीन पर बड़ा दिखाई देगा। मुझे पता है कि इस साइज़ में आपको शायद कम दिखाई दे रहा हो, तो आप वीडियो को फुल स्क्रीन में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना पहला सेलेक्ट कर लिया है, फोटोज़ एंड स्टेटस अपडेट। अब क्या करना है, हमें इसका एक डिस्क्रिप्शन भी देना है। तो डिस्क्रिप्शन में हम सेम यही पेस्ट कर देंगे, जो लिखा है वही डाल देंगे। तो एक बार अपने हिसाब से आप फिर से देख लीजिए, अगर आप सब कुछ सही रहेगा तो उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना। हालांकि आप एक ही पर्क में कई सारे पर्क ऐड कर सकते हैं, तो हम सिर्फ एक ही ऐड करेंगे अपने हिसाब से। तो हम चलिए पहले यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में फ़ोटोज़ एंड स्टेटस अपडेट्स लिख देते हैं सेम ही। और उसके बाद क्या है कि हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ नेक्स्ट कर देंगे सेव। तो हम पहला हमारा ऐड हो गया है, अब हमें सेकंड को ऐसे ही करना है। तो आपको तीनों ही ऐसे ही ऐड करने हैं। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं, तीनों को फिल करने के बाद आपको मिलते हैं आगे। तो चलिए हमने अपना सारा प्लान जो है फिल कर देंगे, और उसके बाद आपको आगे मिलेंगे। तो चलिए हमने अपना सारा तीनों ही ऐड कर लिए हैं, और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं, आगे नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने दो अपने छोड़ दिए हैं, भर दिए हैं, आपको दिखाया नहीं है, ताकि
आपको वीडियो थोड़ा बोरिंग लगेगा, लंबा लगेगा, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम चेक बॉक्स को टिक मार्क करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको एक बार यहाँ पर अंडरस्टैंड आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और इसको भी आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हमने अपना एक लेवल कंप्लीट कर लिया है और हमारा रिव्यू में चला गया है। अब हमें क्या करना है, अपलोड वेजेस एंड इमोजी, इसको स्टार्ट करेंगे। सेकंड लेवल मान लीजिए आप इसको। तो यहाँ पर क्या करना है, आप अपनी तरफ से डाउनलोड करके अगर आपने इमोजी रखा है तो आप वो अपलोड कर सकते हैं, वरना आप यूट्यूब की तरफ से मिलने वाले वेजेस को, इमोजी को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हमने वही लगा दिया है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली हम आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से। अब हम इमोजी जो है बाद में लगाएंगे, अच्छे से ऐड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इमोजी बाद में भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये भी हमारा अपलोड हो गया है। अब हमें आगे बढ़ना है अनाउंस और मेम्बर से, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है, हम इसको सीधे डन कर देंगे, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपली हम इसको डन कर देंगे। तो चलिए हम इसको डन कर देते हैं। तो ये भी हमारा सेव हो जाएगा, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता है। तो देखिए ये भी हमारा अपडेट हो गया है। अब हमें सीधे आगे बढ़ना है, तीन स्टेप कंप्लीटेड हो गए हमारे। अब हमें एक पोस्ट अपलोड करना है इसमें आगे के लिए। तो सीधे आप यूट्यूब पर जाएंगे और एक पोस्ट डालेंगे जो सिर्फ हमारे मेंबरशिप के लिए ही होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं थैंक यू सो मच, और पोस्ट को हम ऑल चैनल मेंबर्स के लिए पोस्ट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे, तो इसको पोस्ट हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना है, सीधे हम अपने वहीं पहुँचेंगे जहाँ हमने ये काम कर रहे थे। तो इसको देखिए यहाँ पर हमारा पोस्ट अपलोड हो गया है सक्सेसफुली। अब इसको भी हम नेक्स्ट कर देते हैं, यानी सेव कर देते हैं। तो ये हमारे स्टेप जो हैं कंप्लीट हो गए। अब हमें आगे क्या करना है, तो भाई यहाँ पर हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, और ज्वाइनिंग बटन के लिए जो है अंडर रिव्यू में है, तो क्या होता है बताएंगे आपको। तो अब क्या करना है कि हमारा 92% काम कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो इमोजी अभी भी ऐड कर सकते हैं, हालांकि हम बाद में करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमने सारे स्टेप भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम आए हैं 5 मिनट बाद, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा टर्न ऑन का ऑप्शन खुल गया है, मतलब कि हमारा अप्रूव हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे ऑन करने के लिए। तो अभी आपको दिखाएंगे कि चैनल पर ज्वाइनिंग बटन देखिए तुरंत 5 मिनट के अंदर हमें मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, सीधे हम जाएंगे देखते हैं कि हमारा ज्वाइनिंग बटन ऐड हुआ है चैनल पर या नहीं। तो उसके लिए हम यूट्यूब पर जाएंगे, और यूट्यूब पर जाने के बाद हम अपना चैनल ओपन करेंगे। तो जब हम अपना चैनल ओपन करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ज्वाइनिंग बटन का जो है सिंबल बन के आ चुका है। तो 5 मिनट के अंदर हमारा चैनल जो है अप्रूव, सॉरी ज्वाइनिंग बटन के लिए रिव्यू में था, वो अप्रूव हो चुका है यूट्यूब की तरफ से, और ज्वाइनिंग बटन आ चुका है। अब चाहें तो हम अब भी इमोजी ऐड कर सकते हैं। तो ये बताइए आप सबसे पहले कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाते हैं, तो उसके लिए हम एक नई प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं अपने चैनल पर, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।